डिफिकल्ट स्टंट्स थे और आसान नहीं होता ऐसा शो करना. कई बार इंजरीज भी हुई हैं, दर्द में भी यू नो स्टंट्स किए हैं, ठंड में स्टंट्स किए हैं. फाइनली वो दिन आज आ गया है जो डिसाइड करेगा कि विनर कौन है. फिंगर्स क्रॉस्ड, आई रियली होप कि मैंने ज़्यादा कम वक्त में ख़त्म किया है स्टंट. एंड सच में मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज यू नो जब एक अनाउंसमेंट होने वाली होती है तो योर हार्ट इज पाउंडिंग एंड आई होप कि मैं जीता हूँ. एंड आई थिंक बट एवरीबडी हैज़ डन वेल, जीते कोई भी. एक वॉट मैटर्स खतरों के खिलाड़ी पे इज दैट आपकी जर्नी कैसे रही, पूरे दो महीने आपने क्या क्या किया. फाइनली जो फाइन फिनाले वाला स्टंट होता है तो उसमें कोई एक ही जीतता है. एंड आई जस्ट होप ट्रॉफी में येस, आई थिंक शी इज बिन एक्सेप्शनली गुड ऑन द शो. उसने कमाल के स्टंट्स किए हैं. हम दोनों की जर्नी अच्छी रही है शो पे. और बट वही है फिनाले में एक ही टाइम कोई जीतेगा आज. सो लेट्स होप दोनों में से कोई भी जीते इट्स ओके. बट ऑब्वियसली वो भी चाहेगी कि वो जीते. अर्जुन, ये जर्नी किस तरीके से जा रही है? अगर आपकी अगर बात करें तो किस तरीके से देखते? मैं हमेशा कहता हूँ कि खतरों के खिलाड़ी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूल सकते. एज अ पर्सन ऑल्सो इट चेंजेस यू बिकॉज कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप नहीं करते बिकॉज आपको लगता नहीं कर सकते. बट वो एक ऐसा शो है कि यू पुश योर सेल्फ टू अनदर लिमिट एंड वो फिर एटीट्यूड आप जनरली लाइफ में कैरी करते हो कि नहीं यार, जहाँ आपको कहीं बार लगता है कि ये नहीं.